कर दीजिए। गौरव जी, आपने सवाल पूछ लिया, उनको जवाब तो देने दीजिए पूरा। बताती हूँ ना, बिल्कुल दे रोहित जी, बताती हूँ ना। गौरव जी, महाराष्ट्र में ज्यादा लेकिन वो सवाल का उत्तर नहीं दे रही हैं, आप सुन नहीं रहे। क्योंकि बताइए, एक मेरे मैंने भी आपको एक सवाल पूछा कि वैक्सीन शुरुआत करने में इतना टाइम क्यों केंद्र सरकार ने लिया। गलत कह रही है ना आप, और कैसे बताएं? केसेस क्यों है? अरे आप गलत है, गलत है, गलत है, बोल दिया जाइए। महाराष्ट्र में लॉकडाउन होने के बाद लोग ऐसा कोरोना का एकदम संख्या कम होने के बाद लोगों को ऐसा लगा कि अभी कोरोना चला गया है, इसके बाद लोग बिंदास घूमने लगे, मास्क नहीं पहनते थे, शुरू से नंबर वन क्यों है महाराष्ट्र? राहुल गांधी तो कहते हैं लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, अभी चुप बैठिए। लॉकडाउन कैसे कर दिया राहुल गांधी? आपका जो है विरोध करें, चुप बैठिए जी, चुप बैठिए। राहुल गांधी जी ने कहा था लॉकडाउन नहीं होना चाहिए जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, तो आज महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में क्यों लॉकडाउन हो रहा है? चुप पूछिएगा ना, ये विरोध क्यों? नरेंद्र मोदी जी ने टीका पहले नहीं लगाया तो विरोध है, पहले लगवाया उसके बाद तो कहते हैं कि देखिए अंगोछा जो है वो असमिया है। मुझे मेरी बात में हर चीज का विरोध करें, बात करने दीजिए पूरी। राहुल गांधी का नाम करके, अरे आप आंकड़ा दे दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र नाम तो आप हो ही गए हैं, वसूली करने में आप लोग व्यस्त थे जब आम जनता कह रही थी हमें बचाओ, आपने कहा हम सरकार बचाए या आप लोगों को बचाए, ये आपका चरित्र है। आप जो है ना, आप पूरा देश का, आप पूरा 58% मामले महाराष्ट्र में सक्रिय क्यों है? हमारे दो आप बेच रहे हैं, पूरे देश में जो मौतें हुई दुर्भाग्यपूर्ण 34% महाराष्ट्र में क्यों हुई है? बताइए बताइए, अगर राजनीति नाम विद्या है लेकिन विद्या की बात नहीं कर रही है। मैं भी राजनीति करती हूँ। अच्छा, राजनीति तो आप कर ही रहे हैं, आपसे मत झगड़िए प्लीज, बैठने को सीखिए। मैं नहीं झगड़ा बैठेंगे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, लोग आपको देखेंगे तो कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं जाएगा इस तरीके से लड़ते हुए देख के। आप लोगों को लाने का मकसद ये होता है कि लोगों के मन में एक भरोसा जागे कि नहीं, हमारे देश की, हमारे राज्य की सरकार हमारी जान के लिए सीरियस है, गंभीर है, वो हमें बचाना चाहते हैं, हमारे लिए काम करना चाहते हैं, तब वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। गौरव जी, अगर इस तरीके से लड़ाई होगी आपस में केवल, तो फिर ये कहने से काम नहीं चलेगा कि नहीं हम तो मदद करते हैं, मदद करते हैं, तो फिर ये झगड़ा नहीं दिखना चाहिए। अगर आप केंद्र की सरकार में है तो वो बड़प्पन दिखना भी चाहिए। और विद्या जी प्लीज, मैं केवल रिक्वेस्ट कर सकता हूं आप लोगों से, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको लड़ना ही है, अगर आप यही मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो फिर ठीक है। आज तक के चैनल, विद्या जी बोलिए, पूरा कीजिए बात को, पूछिए। आज तक का देखिए, मैं आप जो है उनको चुप कराना आपका कर्तव्य है, आपने करना चाहिए। अभी इन्होंने कहा कि ये कोरोना क्यों बढ़ रहा है, तो मैंने कारण बताया कि क्यों बढ़ रहा है। अभी एंटीवायरल जो है, रेमडेसिविर वो नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, जिसकी मांग हम लोग बार बार कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमें उसका मुहैया नहीं कर रही है। हमें वैक्सीन चाहिए, वो मुहैया नहीं कर रही है। महाराष्ट्र में सबसे अच्छा आरोग्य सेवा है ये। अरे दलालखोरी करने वालों से नहीं सुनना है, दलालखोरी करने वाले चुप बैठो, दलालखोरी करते हो। पूरा देश, पूरा देश, पूरा देश।